2024 आ गया है और काफ़ी लोग वेब स्टोरीज को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है। देखो जिनकी वेब स्टोरीज चल रही है उनकी चल रही है, जो पैसे कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, लेकिन अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस देख के रखे हुए हैं और बहुत से वीडियो में काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारे बोलते हैं कि वेब स्टोरी नहीं चलती है या फिर वेब स्टोरी पे पहले से इतना ट्रैफिक नहीं आता है। वेब स्टोरीज के ऊपर व्यूज लेना बहुत ही टिपिकल काम होता है, काफी सारे अलग अलग व्यूज होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या 2024 के अंदर वेब स्टोरीज स्टार्ट करना कितना फायदेमंद हो सकता है और आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो, अगर पैसा कमा सकते हो तो कौन कौन से तरीके होते हैं वेब स्टोरीज को वायरल करने के, या फिर किस तरह की स्टोरीज बनाए जिससे कि आपको फायदा हो, वेब स्टोरी के साथ आर्टिकल लिखना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है। तो सभी का आंसर आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वेब स्टोरीज 2024 में काफी फायदेमंद होगी और इसका रिजल्ट काफी सारे ब्लॉगर्स को अभी दिख भी रहा है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर जो इस चीज के बात भी कर रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि वेब स्टोरीज को यूएस टारगेट करने के लिए कहा जाता है। ये सब कुछ बोलने में अच्छा लगता है लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए उसमें वन बाय वन पॉइंट को कवर करूंगा मैं। सबसे बेसिक बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे, वेब स्टोरीज में कितनी स्लाइड होनी चाहिए। देखो काफी सारे लोग बोलते हैं 4-5 स्लाइड से काम चल जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें एड्स आती है तो इसलिए आपको लंबी स्लाइड करनी चाहिए। इसमें एग्जैक्टली चीज सिर्फ स्लाइड्स के लिए है या फिर कुछ और भी बात है, जितनी आपकी स्लाइड ज्यादा होंगी उतने चांसेस आपके वेब स्टोरीज में आने के बढ़ते हैं, ये चीज फैक्ट है और ये प्रैक्टिकली फैक्ट। पहली बात तो ये होगी, दूसरी बात अगर आपकी स्लाइड ज्यादा होंगी तो बीच पे एडसेंस की एड का एक और स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगी जिसका फायदा आपको मिलता है। इसमें फायदा और नुकसान दो चीज होती है। अगर आपका ट्रैफिक जो है वो वेब स्टोरी से लेकर आर्टिकल पे शिफ्ट करना है तो आप 6-7 स्लाइड बनाओ, उसके बीच पे ऐड नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली चांस के अंदर। लेकिन अगर आपको ट्रैफिक आर्टिकल के ऊपर शिफ्ट नहीं करना है तो आप एड्स को बीच में ऐड करने के लिए 8-9 स्लाइड या 10 स्लाइड तक की वेब स्टोरीज क्रिएट कर लो। इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ केस के अंदर अगर बीच में ऐड आ जाती है और फॉर एग्जांपल वीडियो ऐड आ गई तो लोग इस वेब स्टोरीज में बैक कर लेते हैं और आगे देखते ही नहीं है। इससे अगर आप आगे जाकर कोई लिंक पुट कर रहे हैं स्लाइड के एंड में ऐसा कुछ तो वो आपका जो मिशन है वो हाफ रह जाएगा। तो इसमें दो तरीके होते हैं, ये तरीका आपको किसी और वीडियो के अंदर देखने को नहीं मिला होगा और ना किसी ने आपको इस चीज के बारे में बताया होगा। और ये एक बहुत ही क्लेवर चीज होती है कि आपको किस तरह की वेब स्टोरी क्रिएट करनी है और आपका टारगेट क्या है, आपको वेब स्टोरी से पैसे कमाना है या फिर वेब स्टोरी से आपको ट्रैफिक आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रांसफर करना है जैसे कि आपको डबल अर्निंग हो। तो वो सब चीज आपको ध्यान में रखनी है आपके निश के अकॉर्डिंग और आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आपको क्या चीज करनी है उसके अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर वन तो ये हो गया। बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, अगर आपको यूएस में वेब स्टोरी टारगेट करनी है तो उसके लिए आपको कंटेंट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब इसमें मैं पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री जो कि हमारा है गूगल ट्रेंड्स को लेके, उन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। काफी सारे वीडियो में देख के रखा होगा पॉइंट नंबर थ्री की बात करते हैं, तो गूगल ट्रेंड का यूज करना आपको जरूरी होता है वेब स्टोरी के लिए ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक है आपकी वेब स्टोरी शो हो जाएगी। ये सभी आपको देख के रखा होगा सभी वीडियो के अंदर, सभी यूट्यूब के वीडियो के अंदर यही सेम बात रिपीट की हुई है, एक दूसरे को देखते हैं और बात रिपीट करते हैं। लेकिन आज के टाइम के ऊपर जो भी ब्लॉगिंग करता है वो रिसर्च करने के लिए अच्छे व्यूज पाने के लिए कहा जाता है घूम फिर गूगल ट्रेंड के ऊपर, सभी वीडियो के अंदर यही बात हो रही है, सारे एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे हैं तो कहा जाए गूगल ट्रेंड के ऊपर। हजारों ब्लॉगर डेली गूगल ट्रेंड के ऊपर जो चीज आती है उसके ऊपर ही कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, वही आर्टिकल बनाते रहते हैं, वही वेब स्टोरी बनाते रहते हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। आपको क्या करना है, आपको कंटेंट रिसर्च करना है, आपको फोकस्ड होना है। अब बात आती है पॉइंट नंबर टू की, पॉइंट नंबर थ्री गूगल ट्रेंड्स के बारे में बता रहा था, वो बात आपको यहाँ छोड़ दूँगी, आपको गूगल ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ये चीज आप हमें क्लियर हो जाओ। अब फिर से आते पॉइंट नंबर टू पे कि आपको कंटेंट रिसर्च करना है, कंटेंट रिसर्च करने के लिए आपको गूगल के ऊपर सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप ड्रोन्स के बारे में सर्च करते हो, ड्रोन के बारे में बहुत ही कम आर्टिकल है, बहुत ही कम वेब स्टोरीज है, लेकिन उसके ऊपर सर्चेज ज्यादा आते हैं। और इसके साथ ही ड्रोन्स के अंदर भी आपको इस तरह के कीवर्ड फाइंड करना है जो कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक अच्छा हो, मतलब की सर्चेज अच्छे हो और उसी कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक यूएसए के अंदर भी ज्यादा हो, मतलब कि आप एक टाइम के ऊपर इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं और यूएसए के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंटेंट रिसर्च करना होगा। कंटेंट रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए एक एक्सटेंशन है जिसे कि उबर सजेस्ट हो गया, सेमरस हो गया, इस तरह के क्रोम एक्सटेंशन आते हैं। इसका फायदा क्या होता है, आपको फास्ट कीवर्ड सर्चिंग में फायदा होता है, बेसिक फास्ट कीवर्ड सर्च, मतलब कि आप डीप में सर्च नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सर्च कर लिया ड्रोन के बारे में तो जैसे ड्रोन लिखेंगे उसके पास में आप एक कीवर्ड आ जाएंगे और उसके ऊपर कितने सर्चेज आ रहे हैं वो सब दिख जाएगा उसके अंदर। या फिर आप सेमरस यूज कर लो या फिर कोई और अदर एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफी सारे एक्सटेंशन मार्केट में पड़े हुए हैं। तो आप वन बाय वन फटाफट से कीवर्ड चेंज करके रिसर्च कर सकते हो, इस पर ट्रैफिक अच्छा है उसे चेक कर सकते हो, उसके बाद ऊपर सेम टाइम पे वहाँ पे इंडिया का ऑप्शन भी आता है, यूएसए का आता है, रशिया का आता है, फ्रांस का आता है, कंट्री के अकॉर्डिंग आप रिसर्च कर सकते हो। जिस कीवर्ड के ऊपर आपको ट्रैफिक अच्छा दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 1-2 लाख का ट्रैफिक इंडिया के अंदर भी आ रहा है, सर्च कॉम्पिटिशन कम आ रहा है और सेम ट्रैफिक 50-60 के आसपास अगर यूएसए के अंदर भी आ रहा है और ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं। अब उसके ऊपर फोकस करके आप वेब स्टोरी बनाओगे तो आपकी वेब स्टोरी वायरल होगी, वेब स्टोरी वायरल होगी इंडिया के अंदर और साथ ही साथ यूएसए के अंदर भी वायरल होगी, तो आपको ऑडियंस दोनों तरह से मिलेगी। यूएसए से आपको अगर ऑडियंस आती है तो आपको फायदा ज्यादा होगा, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं कीवर्ड के थ्रू वेब स्टोरीज के ऊपर
आपको कीवर्ड के थ्रू खेलना है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा गूगल से फोटो लेते हैं उसका यूज कर लेते हैं, आपको ये चीज नहीं करनी है। आप गूगल से फोटो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले उस फोटो को आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैनवा के ऊपर या फिर किसी और अदर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर। वहां पर जाके आपको फोटो को री एडिट करना है, उसके ऊपर आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह यूज कर लेना है, कुछ फिल्टर्स यूज करना है, उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं वेब स्टोरी के लिए। उस फाइल का नाम भी आपको चेंज करना है, आपने गूगल से डाउनलोड किया तो फाइल का नाम भी चेंज कर देना। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन करके आप गूगल से डाउनलोड किए फोटो को इजीली वेब स्टोरी के ऊपर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 5 आता है कि आपको कोई और वेब स्टोरी के ऊपर देख के सेम कंटेंट को नहीं लिखना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने टाइटल चेंज कर दिया, इमेजेस चेंज कर दिए, आपने देख लिया कि इसके ऊपर सर्चेज ज्यादा आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन कम है, आपको ऐसी वेब स्टोरी मिल गई, आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल गया, तो आपको ये नहीं करना है कि वो वेब स्टोरी के ऊपर जो कंटेंट लिख के रखा हुआ है स्लाइड के अंदर वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फिर आपका एडसेंस अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है अगर आपको अपलोड मिला है तो, और जो आपका ब्लॉग है वो डेड भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको वेब स्टोरी के ऊपर स्पेशली कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी और कंटेंट को देख के सेम कंटेंट नहीं छापना है। अगर आप नहीं कर लिया तो आपको आगे जाके इसका भुगतान करना पड़ेगा, कुछ टाइम में ट्रैफिक भले आ जाए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सेफ नहीं है। ये जिस आर्टिकल में और भी चल जाती है लेकिन वेब स्टोरी में बिल्कुल नहीं चलती, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। पॉइंट नंबर 6 की, आपको इसके अंदर रैंक में एक्सटेंशन यूज करोगे तो काफी सही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको फास्ट इंडेक्सिंग मिल जाएगी, यूज कर सकते हो उस एक्सटेंशन से। आपको फास्ट इंडेक्सिंग करानी है, वेब स्टोरी जितनी फास्ट इंडेक्स होती है उतना आपको फायदा ज्यादा होता है, इस बात का भी ध्यान में आपको रखना है। जब भी आप वेब स्टोरी को पोस्ट करते हो तो वहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आपको 5 टैग्स यूज करने हैं, वो कंपलसरी यूज करने, ध्यान रखना उसको मिस मत करना, और टैग्स के अंदर आपको कुछ भी मिस स्पेल नहीं करना है, ना ही आपको स्पैम करना है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज उस पर टैग्स पे ऐड नहीं करनी, आपके सर्चेस इंक्रीज हो या फिर आपकी वेबसाइट वायरल हो, इसके लिए तो आपको कुछ भी स्पैम करने का ट्राई नहीं करना है, तो आप ज्यादा सेफ साइड रहोगे, मेरा मानना है। बात करें कौन सा एक्सटेंशन यूज करें वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग गूगल बाय वेब स्टोरीज का जो एक्सटेंशन है, जो कि ऑफिशियल गूगल का ही एक्सटेंशन है वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, आप अगर उसे यूज करें तो काफी सही रहेगा, मेरा सजेशन यही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जब भी वेब स्टोरी क्रिएट करो तो साथ में आपको आर्टिकल भी पब्लिश करने हैं। अब आर्टिकल के लिए आप रिसर्च करो, रिसर्च ना करो, खुद से लिख दो, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दो, कुछ भी करो, वो एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद की बात कर रहा हूँ, वो कुछ भी करो लेकिन आर्टिकल आते रहने चाहिए, आर्टिकल रुकते रहने चाहिए। वेब स्टोरी क्या होता है कि आजकल लोग क्या करते हैं, एक बार आपको वेब स्टोरी पे ट्रैफिक मिल गया तो आप आर्टिकल पब्लिश करना बंद कर देते हो, या फिर फोकस पूरा वेब स्टोरी के ऊपर रहता है। ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको सेम टाइम पे आर्टिकल भी पब्लिश करना है और सेम टाइम पे वेब स्टोरी क्रिएट करनी है। और अगर आपको आर्टिकल पे ट्रैफिक चाहिए तो आप वेब स्टोरी के एंड में एक लास्ट स्लाइड के अंदर आपके आर्टिकल का लिंक डाल दीजिए कि यहाँ पे विजिट करें, तो वो लोग यहाँ से आएंगे, आपको दोनों से फायदा होगा। लेकिन आर्टिकल पब्लिश करने खत्म नहीं करने हैं, आर्टिकल पे एसईओ नहीं करना है, तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फोकस वेब स्टोरी पे है तो वो क्रिएट कीजिए, लेकिन आपको आर्टिकल पब्लिश करने बंद नहीं करने हैं, भले विदाउट रिसर्च करो लेकिन आर्टिकल पब्लिश करने आपको बंद नहीं करने हैं। लास्ट पॉइंट कि जब भी कोई आपकी वेब स्टोरी को देखता है तो इस बात का ध्यान रखें कि वेब स्टोरी इस तरह से क्रिएट करनी है कि जो बंदा वेब स्टोरी के ऊपर आ रहा है वो लास्ट तक, मतलब कि 8 स्लाइड 10 स्लाइड तक जाए। इससे आपका यूजर रिटेंशन जो है बढ़ता है, मतलब कि लोग आपकी वेब स्टोरी के अंदर काफी इंटरेस्टेड है, उसे पढ़ना चाहते हैं। इसीलिए आपको एक छोटा सा पॉइंट भी है तो उसे लंबा करना है, और लंबा इस तरह से नहीं करना है कि इंसान वहां पे आके इरिटेट होके बैक कर ले। इस तरह से क्रिएट करना है कि जो उसको मेन इन्फॉर्मेशन है वो लास्ट की स्लाइड में या फिर लास्ट की 2 स्लाइड में मिले, और स्टार्ट के कुछ पार्ट के अंदर आप उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा 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 बताते रहो, ताकि उसके अंदर ऐसा हो कि और क्या है इसके बारे में जानने को, और क्या मिलने वाला है, तो वो बंदा लास्ट तक उस स्लाइड के अंदर आएगा। सबसे मेन चीज वेब स्टोरी के अंदर ही होती है। अगर आपको वेब स्टोरी डिस्कवर के ऊपर वायरल करनी है तो उसका मेन तरीका यही है, सब कुछ मिला दो, सब कुछ नहीं होगा चलेगा, लेकिन अगर आपने ये चीज क्रैक कर ली कि आपकी वेब स्टोरी एक बार 5 लोगों को बताई गूगल ने, और उसके अंदर 5 में से अगर 4 लोगों ने वेब स्टोरी को 8 स्लाइड तक या 9 स्लाइड तक पूरा देख लिया, तो बस आपका काम हो गया। अब कंटिन्यूसली आपकी वेब स्टोरी रिकमेंड होती रहेगी जब तक आपका यूजर रिटेंशन कम नहीं होता। जितने ज्यादा यूजर को आप वेब स्टोरी पर टिका पाओगे तब तक आपकी वेब स्टोरी वायरल होती रहेगी, और यही एक मेन चीज है जिससे कि आप वेब स्टोरी को जीत सकते हो। तो मेन किंग यहाँ पे अगेन वेब स्टोरी के अंदर भी आता है, कंटेंट, ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, नॉन कॉपीराइट इमेजेस, कीवर्ड रिसर्च, क्लेवर राइटिंग, फास्ट इंडेक्सिंग, ये कुछ मेजर चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और इन्हीं सब चीज से आप वेब स्टोरी को जीत सकते हैं। मैंने जो भी वेब स्टोरी के बारे में पॉइंट बताया इससे आपको प्रो लेवल और जानकारी चाहिए, तो वेब स्टोरी के बारे में एक कंप्लीट मिनी कोर्स बनाकर रखा हुआ है मैंने आधे घंटे का, अब जाके इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो को अगर आप 2030 में भी देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपको जानना है माइक्रो निश के बारे में जो आने वाले 5 साल तक आपके लिए काफी ट्रैफिक लेके आएंगे, सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं, आने वाले 5 साल तक इन कीवर्ड के ऊपर काफी ट्रैफिक आने वाला है, और ये आपका फ्यूचर सेट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, तो वो वीडियो ये रहा। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, इन सभी की लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने सर्कल के अंदर इस वीडियो को शेयर करना, और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।